गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एप्पल बनाना। कॉल लवली डे, और अगेन वहाँ पे पूजा हो रही है अभी, और बाहर तो काफ़ी चिली सा लग रहा है और अंदर थोड़ा सा वार्म। एम्बर क्या कर रहे हो, कहाँ से उठा लेते हो हर चीज़? ये देखो ये हाल, इसको अगर चीज ना दो वापस। नो डेटा कहाँ है? चलो जाओ, चलो जाओ डेटा के पास चलते हैं। दो मिनट में ये मान भी जाती है मेरा बच्चा। कम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हर चीज आपके लिए नहीं है ना, ये बड़े वाली चीज है। चल कम, ओके बाय। ठीक है सर, बाय। कोई टेंट्रम नहीं चलेगा, चलो ओके बाय 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 बाय। आज 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 गुड गर्ल, आप अपने स्पून और उसके साथ खेलो। चलो डैडा बेडरूम से आके यहाँ पे सो गए हैं। व्हाट हैपेंड, नींद नहीं आ गई आपको भी? पापा ईट ईट, पापा ईट करा दो, अंदर आ करा दो डैडा नो आ। यस गुड गर्ल, इसको एप्पल इतना पसंद है, इसको मैं काट के तो देती हूँ बट इसको देखने में बड़ा मजा लगता है। तो अभी इसको एप्पल वॉश इट, ड्राई इट। ड्राई कैसे करते हैं, ड्राई मम्मा कैसे करती है एप्पल? ऐसे ऐसे। सो गाइस मैं बना रही हूँ न्योकी, या सो दिस इज इटालियन न्योकी, और बेसिकली वो लोग फिल करके ऐसे बनाते हैं, इसमें फिलिंग करते हैं, और ये भी घर पे बनाते हैं बट यहाँ पे तो मार्केट से जो है वही मैं लेके आई हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इन लाइक पास्ता स्टाइल बना रही हूँ। तो पास्ता के लिए मैंने लिया है कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, और थोड़े से कबाब, कुछ भी ऐड करना है, थोड़े से गार्लिक, अनियन, और काफ़ी सारे मशरूम, ऑफकोर्स ऑलिव ऑयल के बिना पास्ता इनकम्प्लीट है। क्या हुआ एम्बर? मम्मा को ऐसे काम नहीं करने देना इसने। थैंक यू। थ्रो थ्रो बटर और मोज़रेला चीज़ और सीजनिंग। सो आटा, नॉर्मल आटा, कोई मैदा नहीं लिया मैंने। मिल्क, ठंडा मिल्क, इटालियन सीजनिंग, बटर। आई नो आपको ये चाहिए, एम्बर को ये चाहिए स्पून, इसको भी शेफ बनना है। सो आई एम एडिंग सम ऑलिव ऑयल और गार्लिक क्रश करके या चॉप करके कैसे भी ऐड कर सकते हो, और देन आई एम एडिंग अनियन। तो अनियन ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, हल्का से सौते करने हैं, और इसमें आपको बाकी वेजिटेबल्स जो भी आपने ऐड करनी अपनी चॉइस की वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मशरूम काफ़ी सारे, क्योंकि मशरूम के साथ बहुत क्रीमी टेक्स्चर आता है पास्ता में। देन कैप्सिकम एंड कबाब, तो इनको थोड़े से सौते होने के लिए रख देना है। और मीन वाइल हम बनाएंगे सॉस, वाइट सॉस। तो बटर लिया है, और बटर मेल्ट होने पे साथ में व्हीट फ्लार या आप मैदा यूज़ कर सकते हो, अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि कोई लम्प्स ना बने। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कोल्ड मिल्क, तो मेक श्योर करें कि कोल्ड ही हो, ठंडा दूध होना चाहिए ताकि लम्प्स ना बने, और इसको स्टर करते रहे कंटिन्यूसली। और उसके बाद इसमें हमें चीज़ ऐड कर देना है, मोज़रेला चीज़। अगर नहीं है तो जो चीज़ स्लाइस आती है आप वो भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत चीज़ी बनता है ये पास्ता। तो जस्ट इसको मिक्स करें कंटिन्यूसली, और इसमें ऐड करना है हमें इटालियन सीजनिंग, जैसे ओरेगानो, चिली फ्लेक्स जिसमें आता है, तो सारा कुछ आप इसमें कर दें, और हमारी सॉस रेडी है। तो ये सॉस काफ़ी जगह काम आती है, आप इसको पास्ता के लिए यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग तरह के जैसे पाई बनानी है उसमें स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी वेजीज भी डन है और इस पर मैं ये मिक्स कर रही हूँ सॉस। और अगर आपको लगता है थोड़ी सी थिक है तो आप थोड़ा सा कोल्ड मिल्क और ऐड कर सकते हो। और इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता, तो पास्ता जो बॉईल करा है, तो पास्ता बॉईल करने के लिए भी पहले काफ़ी सारा पानी बॉईल हो तभी आप पास्ता ऐड करें, तो अच्छा बॉईल होता है पास्ता, और सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल के साथ में। तो अभी पास्ता ऐड कर रही हूँ, और मिक्स कर देना है, स्लोली मिक्स करना है, नहीं तो ये थोड़ा सा टूट जाता है। उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें टमाटो सॉस।
या टोमेटो प्योरी वगैरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने ये ऐड करा है और चाहे आप पहले भी ऐड कर सकते हो जब आपने सॉस ऐड करी है पास्ता ऐड करने से पहले। देन आई एम एडिंग सम सॉल्ट, सॉल्ट एंड में ऐड करती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर, ताकि बाद में पता चल जाए कि कितना हमें ज़रूरत है सॉस वगैरह के बाद में। और अगेन फिनिश इट विद सम सीजनिंग। तो पास्ता रेडी है, इंजॉय कीजिए। एम्बर की पोनी कहाँ से कहाँ चली गई है? एम्बर कैसे थी पोनी? पोनी बहुत खिली खिली थी और पता नहीं कैसी हो गई, इसकी हाथ लगाती रहती है ना ये पोनी, देखो क्या हाल कर लिया इसकी। इसके बाल इतने स्ट्रेट है ना कि पोनी नहीं हो पाती। ओके बाय दिया घोई। हॉट डैडी अलर्ट। दिनों बाद थोड़े बने बने हैं, बहुत दिनों के बाद थोड़ा ढंग के पहन बन के आए हो, नहीं तो ढंग का क्या मतलब, मैं ढंग का ही रहता हूँ घर पे, मतलब ऐसे आ जाते हो नहीं तो फिर ऐसे कैसे। और क्या गाइस, हम आए हैं अभी थोड़ी सी बाहर मार्केट में। तो इस मार्केट में हम लोग पहले काफ़ी आते थे, अभी थोड़ी सी दूर हो गई है 4 किलोमीटर। तो अभी मैं आ रहा, हम लोग जा रहे हैं एम्बर को बोलते दीपक को गिफ्ट देने के लिए। आईफोन मैं दीपक को लेके दे रही हूँ, हाँ आईफोन लेके दे रही हूँ, क्योंकि नया मैं ले लूँगी, अपना वाला दीपक को दे दूँगी, तो ऐसे गिफ्ट होगा। ठीक है ना, क्या कहना है आपको? आई एम स्पीचलेस। स्पीचलेस, अभी धूप बहुत, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे गाइस, बहुत गर्मी, आँखें नहीं खुल रही, ग्लासेस भी नहीं निकाल रही। गाइज हम लोग, उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ मेबेलिन की। तो मेरे पास मेबेलिन सुपरस्टे के बहुत सारे लिप शेड्स हैं, 10-15 हैं, उनमें से कई बहुत ही सॉफ्ट है लिप्स पे और लास्टिंग है, और कई ऐसी हैं कि अभी देखो लिप्स पे साइड्स पे रह गए, अंदर से वो सारा ख़त्म हो गया है, चला गया है, उतर गया है एक्चुअली। तो हम लोग आए थे यहाँ पे एप्पल स्टोर, और भाई क्या रेट उठा रखे हैं उन्होंने, है ना, क्या महंगे महंगे हैं, मतलब सेम फीचर्स कोई ज़्यादा, सिर्फ स्पेस का है और साइज छोटा बड़ा कर देते हैं, है ना। आलू 60 रुपए किलो, बताओ आलू 60 रुपए किलो, मतलब कितने का था वो आईफोन 12 प्रो? वो बोला 50 रुपए भैया, 1 लाख कुछ का, भाई मतलब क्या चीजें बना दी हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कोई काम की चीज है तो ले भी सकते हैं, बट यार इतना महंगा तो बनता ही नहीं है ना लेना। लाइफ 2 साल ही है, लाइफ नहीं 2-3 साल मेरे जैसे की, तो मैं कोई भी स्मार्टफोन है मेरा अभी तक तीसरा है, 2010 से मैं यूज कर रही हूँ, तो तीसरा फोन है मेरा अभी। चार्जर की तो आएगी ना प्रॉब्लम, चार्जर की, हाँ चार्जर तो जल्दी फिनिश हो जाता है अभी। तो ये है गाइस, और एक और बात मैंने आपसे बतानी थी कि हम लोग, मैं और दीपक जो है ना, हम लोग आप ब्लॉग देखते हो, दीपक मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं, मैं दीपक की बहुत बेइज्जती करती हूँ, बट वो हमारा प्यार है, हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हम दोनों एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, और जिंदगी में है ही क्या, खुश रहो एक दूसरे को, ऐसे रहो, हमारा खुश रहने का ये तरीका है। अभी अगर आप चाहते हो कि हम लोग पीडीए करें, मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पब्लिक डिस्प्ले है ना, वही होता ना कि स्क्रीन पे करो मेरा डार्लिंग ये वगैरह, वो हम लोगों से नहीं होता है, आई थिंक कुछ चीजें पर्सनल भी तो होनी चाहिए ना। स्क्रीन पे वैसा करते हैं ना, वो गालियां निकालते हैं स्क्रीन के बाद। हाँ मतलब हम लोगों का ये सीन है कि हम लोग नहीं, भी सॉरी ये चीजें हमसे नहीं होती कि स्क्रीन पे मैं करती ना, सब कुछ है लेकिन फेक नहीं है, फेक नहीं बनना हमें। तो हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग सारा दिन, कैमरा बंद भी हो जाएगा तो दीपक कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मेरी लेग पुलिंग करने का। और मतलब ये इसको ये नहीं कहते कि हम दोनों कंप्लेन करते एक दूसरे को, है ना भाई, इट्स नॉट कंप्लेनिंग यार, इट्स आर लव, हमारा ये तरीका है लव शो करने का, तो इसीलिए हम हंसते हंसते जी रहे हैं, है ना पापा, पापा मतलब एम्बर के पापा, एम्बर के पापा, एम्बू गुगू बुगू चुगू। तो हमने तैयारी तो बहुत की एप्पल फोन लेने की, सर्दियां आने की सर्दियां आई नहीं,
गर्मी लाइट पीछे जा रही है। हमने लास्ट दिवाली से पहले सारे सर्दियों के कपड़े अंबर के निकाल लिए कि चलो वॉश करके रख लेते हैं कि किसी दिन भी सर्दी हो जाएगी, बट अभी तक इतनी गर्मी है ना, बुरे हाल है। अभी बाहर दो मिनट के लिए निकले पसीने आ रहे हैं पूरे। अभी हमें जाना है डिकैथलॉन हम्बोग। और हाँ आपको दीपक एक अच्छी बात मैं बताना भूल ही गई, अभी मैं गई थी आपको सच में रमेबाज। तो अभी क्या हुआ, मैं अभी दाउब्रोमा गई अपनी फेवरेट पाई वगैरह देखने के लिए, कुछ देखने के लिए। फिर मेरे को याद आया कि इस वीक से तो मैंने रनिंग 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर रनिंग में करती हूँ और मुझे अपना वो इस बार तो करना ही नहीं है। नहीं तो मैं क्या होता था कि वीकेंड पे सोचती थी चलो वीकेंड पे खा लो पूरा वीक अच्छे वर्कआउट करो, बट इस बार वो भी नहीं है। आज मैंने पास्ता बनाया है बट थोड़ा कोई क्रीम नहीं ऐड करी, चीज थोड़ा ऐड करा तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा खा लूंगी, बट इसके अलावा बाहर का खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी और वर्कआउट करना है। और मैं वहां पे गई और मेरे को इतना बुरा लगा मैं वापस खाली हाथ आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे अच्छे के लिए ही है ना। Are you not proud of me? I am so much proud कि मैं इतना proud हूँ ना कि मेरी सिज़ेरियन हो गया। क्या? ऐसे तुम बात करते हो, ओछी बातें करते हो, तुमको अच्छा लगता है? इज्जत से बात करनी चाहिए। अच्छा इज्जत से बात कर ले, मेरे बेटे की पोनी कुछ और ही सी, अब इसकी पोनी बहुत चेंज होती रहती है, कभी ऐसी हो जाती है। डार्लिंग तो नहीं बोल रहा हम लोग। अरे डार्लिंग तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम इतने फिट हो, फैट के नाम पे तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या हुआ? चलो ठीक है मैं अंबर को कुछ देती हूँ खाने के, इसको भूख लगी है ना अभी। अंबर तो सो जाती है अपना आराम से, हमें सामान लेने देती है ये। Eating pasta, now she is throwing. How? आपका ये मम्मा को खिलाना है। दीपक प्लीज कम हियर। ये क्या है? इधर आओ, पास आओ, इधर पास आके दिखाओ जरा। ये कब से पहनने शुरू कर दिए मेरे पजामे आपने? ये मैंने मंगाया। ये क्या बना? इस पे क्रिसमस सेंटा बना हुआ है। अच्छा आपकी क्रिसमस बहुत जल्दी आ गई है, सेंटा क्लॉज है ऐसा लग रहा है। पर इधर आओ ना, ये तो बताओ कि आपने ये सेंटा क्लॉज वाले कब से पहनने शुरू कर दिया? आपकी क्रिसमस बहुत जल्दी आ गई लगता है। बच्चों को एंटरटेन करने के लिए ऐसे पहनने पड़ते हैं। दिखाओ जरा कौन सा प्रिंट है। ओ वाह भाई वाह वाह, मुझे तो लगा कि आप मेरी अलमारी से मेरा पजामा निकाल के लेके आ रहे हो। नहीं मैंने खरीदे हैं अभी लेके आए। अच्छा और कौन से पजामे हैं? ओए ओए कैमरे पे मत उतारो। अच्छा नीचे पहन के आ गए हो। सेम साइज़। सेम साइज दो है, दिखाओ जरा दूसरा इधर। दो ये है। यू लाइक इट? ओह वाह स्माइल एम्बर के फेस पे। नाउ इट्स योर टर्न एम्बर, इट्स योर टर्न, या डू इट। वाह वेरी गुड, डू इट अगेन, यस गुड गर्ल, वेरी गुड वेरी गुड। ये मम्मा विल डू इट अगेन। Your smile is contagious, Ambu. Contagious smile.